Hello, students. Today we are going to start chapter 2 inverse trigonometric function session 1. In this session, we are going to cover some topics. The topics which we are going to cover are introduction, concept of 1, 1 and on 2, condition that when inverse function exists, and domain and range of inverse function. And then we go towards the formulas. So, first I am starting with the introduction, introduction of inverse trigonometric function. So, in introduction of inverse trigonometric function, we first understand this three words inverse, trigonometry and function. Trigonometry we 9 uh, ten class. Se read kar rahe. We know that trigonometric, there are six trigonometric functions which are sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta and cot theta.

जितने भी एक्स में एलिमेंट्स है सभी की एक यूनिक इमेज बननी चाहिए वाई में यूनिक इमेज का मतलब क्या था सिंगल इमेज सो लेट्स टेक एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज फंक्शन फंक्शन की डेफिनेशन हम सबको क्लियर है एवरी एलिमेंट इन एक्स शुड हैव अ यूनिक इमेज इन वाई टू इंपॉर्टेंट की आर एवरी एलिमेंट इन एक्स शुड हैव अ यूनिक इमेज इन वाई तो x में जितने भी एलिमेंट्स है सबकी सिंगल इमेज फॉर्म होनी चाहिए y में सो आई एम स्टार्टिंग विद दिस हम सबको पता है x को हम क्या बोलते हैं डोमेन और y को हम क्या बोलते हैं को डोमेन पर यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो वन की इमेज क्या है a टू की इमेज भी है a थ्री की इमेज b फोर की इमेज c सो so ये हमारा डोमेन होता है और ये हमारा को डोमेन होता है अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जितने एलिमेंट्स एक्स में हैं सबकी इमेज फॉर्म हो रही है वन की सिंगल इमेज है टू की भी सिंगल इमेज है थ्री की सिंगल इमेज है फोर की सिंगल इमेज है यहाँ पे एक सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि वन की इमेज भी ए है टू की इमेज भी ए है तो ये यूनिक इमेज नहीं है ये यूनिक इमेज ही है हम डेफिनेशन को एक बार फिर से ध्यान से सुनते हैं एवरी एलिमेंट इन एक्स शुड हैव अ सिंगल इमेज या यूनिक इमेज इन वाई अगर मैं इधर वाला एग्जाम्पल देखूंगी तो यहाँ पे वन की कितनी इमेज हो गई है दो सिंगल इमेज नहीं है वन की दो इमेज हुई ए बी इमेज है और बी बी इमेज है इसलिए ये फंक्शन नहीं है क्योंकि हमने बोला है जितने भी एलिमेंट्स एक्स में हैं उनकी सिंगल इमेज फॉर्म होनी चाहिए तो वन की कितनी इमेज फॉर्म हो गई ए बी और बी बी तो दिस इज नॉट अ फंक्शन पर ये फंक्शन है वन की एक ही इमेज फॉर्म हो रही है ए टू की भी एक ही इमेज फॉर्म हो रही है ए थ्री की भी सिंगल इमेज है बी फोर की भी एक ही इमेज है सी तो एक्स में जितने भी एलिमेंट्स है सभी एलिमेंट्स की इमेज फॉर्म हो रही है और कैसी इमेज फॉर्म हो रही है सिंगल इमेज तो दो एलिमेंट्स की सेम इमेज हो सकती है फंक्शन की डेफिनेशन से पर एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती है तो दिस इज नॉट अ फंक्शन पर इट इज अ फंक्शन सो दो एलिमेंट्स की सिंगल इमेज फॉर्म हो सकती है पर एक एलिमेंट की दो इमेज फॉर्म नहीं हो सकती तो ये फंक्शन है अब ये फंक्शन है तो हमको फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर हो गई कि कोई भी फंक्शन तभी होगा जब x में जितने भी एलिमेंट्स है सबकी सिंगल इमेज या यूनिक इमेज फॉर्म होगी वाई में अगर मैं और एग्जाम्पल देखूं, तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो दिस इज नॉट अ फंक्शन वाई बिकॉज एक्स में एलिमेंट फोर था जिसकी कोई भी इमेज वाई में फॉर्म नहीं हुई है और ये फंक्शन होगा क्योंकि सभी एलिमेंट्स की सिंगल इमेज फॉर्म हो रही है वन की भी एक ही इमेज है टू की भी सिंगल इमेज थ्री की भी सिंगल और फोर की भी तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कोई भी फंक्शन कब एग्जिस्ट होगा या किसी भी रिलेशन को हम फंक्शन तभी बोलेंगे जब एवरी एलिमेंट इन एट है, शुड हैव अ सिंगल इमेज और यूनिक इमेज इन वाई सो फंक्शन की डेफिनेशन हमको क्लियर हो गई अब हम जाते हैं इन्वर्स पे तो हमने तीन टर्म्स देखी थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और फंक्शन तो ट्रिग्नोमेट्री तो हमको क्लियर है सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फंक्शन की डेफिनेशन क्या है एवरी एलिमेंट इन एक्स शुड हैव अ यूनिक इमेज इन वाई अब इनवर्स इनवर्स के लिए हमको पहले दो टर्म्स को क्लियर करना होगा दट आर वन वन एंड ऑन टू जो हमने चैप्टर वन में पढ़ा वन वन की डेफिनेशन हमने देखी अ फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी वन वन इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट मतलब जितने भी एलिमेंट्स एक्स में हैं उनकी जो इमेजेस फॉर्म होनी चाहिए वो डिस्टिंक्ट इमेज फॉर्म होनी चाहिए अगर डिस्टिंक्ट इमेज फॉर्म नहीं हुई तो हम उसको क्या बोलेंगे मैनी वन और ऑन टू की डेफिनेशन हमने देखी थी कि अ फंक्शन एक्स टू वाई सेट टू बी ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इन इमेज हैव सम एलिमेंट एक्स अंडर एफ मतलब जितने भी वाई में एलिमेंट्स उनकी कोई ना कोई प्री इमेज एक्स में प्रेजेंट होना चाहिए तो अगर फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों होंगे तभी उनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इनवर्स ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट इफ एंड ऑनली इफ इट इज वन वन एंड ऑन टू बोथ तो हमको पहले तो तीनों टर्म्स क्लियर हुई इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंड फंक्शन तो इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी तो हम फिर से समझते हैं एक बार डायग्राम से कि वन वन फंक्शन कब होता है और कब फंक्शन ऑन टू होता है सो so, मैं फिर से वही एग्जांपल्स ले रही हूं जो हमने अभी लिए थे फंक्शन की डेफिनेशन चेक करने के लिए हमने बोला था कि ये फंक्शन है क्यों है क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स एक्स में है सबकी इमेज फॉर्म भी हो रही है और सबकी सिंगल इमेज फॉर्म हो रही है पर ये जो फंक्शन है वो मैनी वन है वन वन नहीं क्यों क्योंकि यहाँ पे वन की भी इमेज ए है टू की भी इमेज ए है तो हम यहाँ देख सकते हैं मैनी एलिमेंट्स हैविंग सेम इमेज तो दिस इज मैनी वन सो बहुत सारों की सेम इमेज है हमने वन वन की डेफिनेशन क्या बोली एक्स में सभी की डिस्टिंक्ट इमेज फॉर्म होनी चाहिए मतलब वन की जो इमेज है वो टू की इमेज नहीं होना चाहिए सबकी डिस्टिंक्ट इमेज तो ये कौन सा फंक्शन हुआ मैनी वन ये तो फंक्शन ही नहीं है और ये भी फंक्शन नहीं है अब ऑन टू की डेफिनेशन हमने बोली कि जितने भी एलिमेंट्स वाई में हैं सबकी कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए एक्स में डी की कोई प्री इमेज है एक्स में नहीं है इसलिए ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है हमने एक और एग्जाम्पल देखा था फंक्शन के लिए ये यहाँ पे मैं देखूंगी कि वन की भी सिंगल इमेज है जो वन की इमेज है वो किसी और एलिमेंट की इमेज फॉर्म नहीं हो रही है टू की भी सिंगल इमेज थ्री की भी सिंगल फोर की भी सिंगल और डिस्टिंक्ट इमेजेस फॉर्म हो रही है सभी एलिमेंट की इसलिए ये फंक्शन कैसा होगा वन वन और ये फंक्शन ऑन टू भी है क्योंकि यहाँ पे जितने भी वाई में एलिमेंट्स हैं सभी की कोई ना कोई प्री इमेज एक्स में ज़रूर फॉर्म हो रही है इसलिए ये फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी तो हमको वन वन और ऑन टू की डेफिनेशन क्लियर हो गई सो so, कोई भी फंक्शन का इन्वर्स सिर्फ और सिर्फ तभी एग्जिस्ट करता है जब वो वन वन भी है और ऑन टू भी तो हमने तीनों टर्म को क्लियरली समझ लिया इन्वर्स तो इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा वेन फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू बोथ ट्रिग्नोमेट्री देर आर सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज देट आर साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक्ट थीटा कॉट थीटा एंड लास्ट इज फंक्शन तो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इज एवरी एलिमेंट इन एक शुड हैव अ यूनिक इमेज इन वाई तो अब हम अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें तो देयर आर सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फंक्शंस फर्स्ट इज वाई इक्वल्स टू साइन एक्स जब हम y इक्वल्स टू साइन एक्स बोलते हैं मतलब y इक्वल्स टू साइन थीटा की बात हो रही है ये जो x होता है यहाँ पे क्या होता है एंगल ये एंगल जीरो डिग्री भी हो सकता है थर्टी बी फोर्टी बी सिक्सटी बी नाइन्टी थाउजेंड टेन थाउजेंड माइनस हंड्रेड कोई भी एंगल ले सकता है तो साइन एक्स एंगल है और वाई उसकी क्या होती है वैल्यू सो इफ आई से थीटा, थीटा मतलब कौन है एक्स विच इज डोमेन और वाई मतलब रेंज तो so, अगर मैंने थीटा लिया जीरो थर्टी फोर्टी फाइव सिक्सटी नाइनटी वन ट्वेंटी एंड सोन क्योंकि एक्स एंगल कैन टेक इनफाइनाइट वैल्यूज तो हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो जीरो की इमेज जीरो क्योंकि साइन जीरो इज जीरो साइन थर्टी डिग्री इज वन बाय टू साइन फोर्टी फाइव डिग्री वन बाय रूट टू साइन सिक्सटी रूट थ्री बाय टू साइन नाइनटी वन मूविंग फर्दर साइन वन ट्वेंटी साइन वन ट्वेंटी डिग्री की वैल्यू हम सब निकाल सकते हैं साइन नाइनटी प्लस थर्टी विच इज कॉस थर्टी रूट थ्री बाय टू तो 120 डिग्री की वैल्यू भी क्या आ गई रूट थ्री बाय टू तो क्या ये फंक्शन वन वन है नहीं है क्यों 60 डिग्री पे भी वैल्यू रूट थ्री बाय टू वन ट्वेंटी पे भी रूट थ्री बाय टू हम देख सकते हैं मैनी टू वन मतलब ये फंक्शन कैसा है मैनी वन सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y इक्वल्स टू साइन एक्स इज नॉट वन वन फंक्शन इट इज मैनी वन अब अगर फंक्शन मैनी वन है तो उसका इन्वर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि हमने डेफिनेशन में क्या बोला कि इन्वर्स ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट इफ एंड इफ इट इज वन वन एंड ऑन टू तो ये वन वन तो है ही नहीं क्योंकि सिक्सटी डिग्री के भी इमेज रूट थ्री बाय टू और वन ट्वेंटी डिग्री पे भी वैल्यू टूट थ्री बाय टू तो ये फंक्शन तो मैनी वन हो गया तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का तो इन्वर्स एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट तो फिर ये चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम कैसे पढ़ेंगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा और उसको एग्जिस्ट करवाने के लिए हमको डोमेन और रेंज को क्या करना होगा रेस्ट्रिक्ट करना होगा किस तरह से रेस्ट्रिक्ट करेंगे वो हम आगे देखते हैं और रेस्ट्रिक्ट इस तरह से करेंगे ताकि वो फंक्शन वन वन भी हो जाए और वन टू भी तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एग्जिस्ट करवाने के लिए हमें उसे वन वन भी बनाना होगा और ऑन टू भी बनाना होगा सो so, y इक्वल्स टू साइनेक्स ये तो हमको क्लियर हो गया कि y इक्वल्स टू साइनेक्स इज मेनी वन फंक्शन इसलिए उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो अगर मुझे इन्वर्स एग्जिस्ट कराना है तो मुझे उसको वन वन और ऑन टू दोनों बनाना होगा तो हम किस तरह से रेस्ट्रिक्ट करेंगे वो हम देखते हैं हमने अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है वाई इक्वल्स टू साइन एक्स ठीक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज हमको पता है कि ये एक्स कोई भी एंगल ले सकता है एक्स ये कोई भी एंगल ले साइन की वैल्यू हमेशा माइनस वन से वन में ही लाई करती है मतलब वाई सिर्फ क्या वैल्यूज लेता है माइनस वन टू वन ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन है हमारे पास वाई इक्वल्स टू साइन एक्स की पर हमने देखा कि अगर एक सारी वैल्यूज ले रहा है जैसे उसने 120 डिग्री ली और 60 डिग्री ली तो साइन 60 भी रूट थ्री बाय टू था और साइन 120 भी रूट थ्री बाय टू था तो वो वन वन नहीं रहा वो मैनी वन हो गया इसलिए हमको इस डोमेन को क्या करना होगा रेस्ट्रिक्ट करना होगा और इस तरह से रेस्ट्रिक्ट करना होगा कि उसकी रेंज तो क्या रहे माइनस वन टू वन ही रहे क्योंकि अगर रेंज माइनस वन से वन कम हो गई तो वो ऑन टू नहीं रहेगा रेंज हमेशा माइनस वन टू वन ही होना चाहिए तो किस तरह से हम इस एक्स को रेस्ट्रिक्ट करते हैं हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में देखा है जीरो डिग्री पाई बाय टू पाए थ्री पाए बाय टू साइन फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है जीरो डिग्री पे वैल्यू जीरो होती है नाइन्टी डिग्री पे वन नाइ वन एट्टी पे जीरो थ्री पाई बाय टू पे माइनस वन इस थ्री पाई बाय टू को अगर मैं रिवर्स आऊँ मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आऊंगी तो मैं उसको क्या बोल सकती हूँ माइनस पाए बाय टू भी बोल सकती हूँ तो अब जब y इक्वल्स टू साइन एक्स की हम बात कर रहे हैं और मुझे इसमें x को रेस्ट्रिक्ट करना है मतलब अभी तक तो एक सारे एंगल्स ले सकता था अब मुझे ऐसे एंगल डिसाइड करना है कि उसकी रेंज माइनस वन टू वन ही रहे पर वो वन वन बन जाए तो मैं अगर देखूँगी तो जीरो से पाए में तो वो हमेशा पॉजिटिव है लेकिन अगर माइनस पाए बाय टू से पाए बाय टू में अगर हम देखेंगे तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू ले रहा है और माइनस वन से ज़ीरो वैल्यू हो रही है और ज़ीरो से वन इसका मतलब ये हुआ कि माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू में उसने सारी वैल्यू कवर कर ली माइनस वन टू जीरो और जीरो टू वन इसलिए मैंने इस साइन एक्स में एक्स जो रियल नंबर था उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया और रेस्ट्रिक्ट कर रेस्ट्रिक्ट करके हमने उस एक्स की वैल्यू को माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू ले लिया सो so, जब एक्स माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू होगा सब तब एक्स वाई सारी वैल्यूज कवर कर रहा है माइनस वन टू वन तो हम यहाँ देख सकते हैं वेन एक्स जीरो थर्टी सिक्सटी एंड नाइनटी, तो फ्रॉम जीरो टू नाइनटी और जीरो टू पाई बाय टू उसने कौन सी वैल्यूज कवर कर ली जीरो टू वन एंड फ्रॉम ज़ीरो टू माइनस नाइनटी क्या वैल्यूज कवर हो रही है जीरो टू माइनस वन इसलिए हमने इस एक्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया फ्रॉम माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू अब फंक्शन वन वन भी है और टू भी सो वाई इक्वल्स टू साइन एक्स वन वन भी हो गया और ऑन टू भी सो इफ आई एम टेकिंग वाई इक्वल्स टू साइन एक्स जिसमें मैंने एक्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है पहले एक सारी एंगल्स ले सकता था पर क्योंकि मुझे उसको वन वन और ऑन टू बनाना था इसलिए मैंने उसको इस एक्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया और इस एक्स को रेस्ट्रिक्ट करने में एक्स क्या लिया है माइनस पाए बाय टू टू पाए बाय टू तो x जब ये वैल्यूज लेगा तो y सारी वैल्यूज कवर कर रहा है फ्रॉम माइनस वन टू तो वन इसलिए अब फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी इसका मतलब अब इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो जब इस फन। इन फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा सो आई एम राइटिंग वाई इक्वल्स टू तो साइन एक्स और उसका इन्वर्स फंक्शन क्या हो जाएगा वाई इक्वल्स टू तो साइन इन्वर्स इन्वर्� एक्स यहाँ पे एक्स एंगल था यहाँ पे एक्स वैल्यू हो गई है y वैल्यू थी यहाँ y क्या हो गया है एंगल तो इनवर्स में x और y इंटरचेंज हो जाते हैं और डोमेन और रेंज भी इंटरचेंज हो जाते हैं अब यहाँ x वैल्यू है इसलिए x क्या वैल्यू कवर करेगा माइनस वन टू वन और y फ्रॉम माइनस पाए बाय टू टू पाए बाय टू तो इस डोमेन और इस रेंज के लिए ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो गया वन वन और ऑन टू बोथ इसलिए इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है सिमिलरली वी विल एक्स फॉर वाई टू कॉस एक्सो इक्वल्स टू कॉस एक्स के लिए हमको पता है दैट कॉस इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट एंड नेगेटिव इन सेकेंड एंड थर्ड दिस इज जीरो पाए बाय टू पाए और एंटी क्लॉक वाइज आ रहे हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं माइनस पाए बाय टू वैल्यू ऑफ कॉस जीरो इज वन कॉस पाए बाय टू इज जीरो माइनस वन एंड दिस इज जीरो अब अगर मुझे x को रेस्ट्रिक्ट करना है तो मैं माइनस फाइव बाय टू से प्लस फाइव बाय टू में नहीं कर पाऊंगी क्यों क्योंकि माइनस फाइव बाय टू से प्लस फाइव बाय टू में तो कॉस सिर्फ कौन सी वैल्यू ले रहा है पॉजिटिव y इक्वल्स टू कॉस एक्स के बारे में भी मुझे पता है कि x सारे एंगल ले सकता है और y हमेशा माइनस वन टू वन लाया करता है पर अब इस x को मुझे फिर से क्या करना होगा रेस्ट्रिक्ट करना होगा तो इस एक्स को रेस्ट्रिक्ट करना होगा तो मैं माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाय टू में रेस्ट्रिक्ट नहीं करूंगी क्योंकि उसमें तो वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कवर कर रहा है बट इफ आई सी कि जीरो से पाए में उसने सारी वैल्यू कवर कर ली वन से जीरो मीन्स सारी पॉजिटिव वैल्यूज और जीरो टू माइनस वन मतलब सारी नेगेटिव वैल्यूज इसलिए मैंने इस एक्स को अब रेस्ट्रिक्ट करा लेकिन किसमें रेस्ट्रिक्ट करा जीरो टू पाए में सो टू मेक इट वन वन एंड ऑन टू वि रेस्ट्रिक्ट एक्स फ्रॉम जीरो टू पाए अब जीरो टू पाए में रेस्ट्रिक्ट करने पर वाई ने तो सारी वैल्यू कवर करी वन टू जीरो एंड जीरो टू माइनस वन मतलब माइनस वन टू वन तो हमने इस कॉस एक्स को में भी एक्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया और इस तरह से रेस्ट्रिक्ट किया कि ये वन वन भी हो गया और ऑन टू भी तो ये एक्स और वाई डोमेन और रेंज किसके लिए थी फंक्शन के लिए अब हमको टू कॉस इनवर्स एक्स में जो यहां पे एक्स वैल्यू है और वाई एंगल है सो एक्स टेक वैल्यूज फ्रॉम माइनस वन टू वन एंड वाई फ्रॉम जीरो टू पाई तो हमने इस तरह से कॉस इन्वर्स एक्स में भी डोमेन और रेंज फाइंड कर लिया सिमिलरली वी कैन फाइंड डोमेन एंड रेंज फॉर ऑल दिस एक्सड इनवर्स ट्रिगनोमेट्रिक फंक्शंस और ये इन्वर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज हमको हमेशा याद होने चाहिए फॉर डूइंग क्वेश्चंस। जैसे अभी हमने देखा कि साइन इनवर्स एक्स में एक्स इज वैल्यू विच ऑलवेज लाइ बिटवीन माइनस वन टू वन और हमने रेस्ट्रिक्ट किया था फ्रॉम माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स में भी एक्स टेक वैल्यू ओनली फ्रॉम माइनस वन टू वन और हमने वाई को रेस्ट्रिक्ट किया था फ्रॉम जीरो टू पाए एंगल को टेन इनवर्स एक्स में एक्स कैन टेक इनवर्स एक्स एक्स कैन टेक एनी वैल्यू एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्स कैन टेक ऑल वैल्यूज अब हमको वाई को तो रेस्ट्रिक्ट करना था और टेन इनवर्स भी फर्स्ट और फोर्थ क्वार में नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू लेता है इसलिए उसको भी हमने कहा रेस्ट्रिक किया माइनस पाए बाय टू टू पाए बाय टू बट यहां पर हमने ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट रखे है बिकॉज एक्स में जब एक्स माइनस पाए बाय टू या पाए बाय टू होता है तो वाई डिफाइन नहीं होता है इसलिए हम क्या लेते हैं ओपन ब्रैकेट तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन इनवर्स टेन इनवर्स और कॉसिक इन्वर्स तीनों एक साथ होते हैं और सभी माइनस पाए बाय टू टू पाए बाय टू में लाए करते हैं तो साइन इन्वर्स एक्स टेन इन्वर्स एक्स और कॉसिक इन्वर्स एक्स की अगर हम रेंज देखेंगे तो सब में माइनस पाए बाय टू टू पाए बाय टू है बट डिफरेंस है यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट क्योंकि पाए बाय टू और माइनस पाए बाय टू पे

सो दिस आर द डोमेन एंड रेच फॉर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमेशा हमको याद रखना है फॉर एनी क्वेश्चन टू सॉल्व तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लाया करता है क्योंकि अगर हम यहाँ पे रेंज देखेंगे तो माइनस पाई बाय टू टू प्लस फाइव बाय टू और जीरो टू पाए ही है सो माइनस पाई बाय टू से प्लस पाए बाय टू मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ क्वार्रेंट एंड जीरो टू पाए मीनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड क्वार सो थर्ड क्वार में कभी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाए नहीं करता है सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वेन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एग्जिस्ट वेन इट इज वन वन एंड ऑन टू बोथ एंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमेशा हमको क्वेश्चन के लिए याद रखना है थैंक यू